टू एस आर एस आई एस एंड लॉ अकेडमी आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज होगी ये से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोरम शॉपिंग तो देखते हैं फोरम शॉपिंग वो क्यों न्यूज में है तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कंडेम किया है प्रैक्टिस ऑफ फॉरम शॉपिंग उनके सामने एक लिटिकन जो है वो पेश हुआ आ, हेयरिंग के लिए और उससे पहले वही लिटिगेंट जो है सेम केस एक दिन पहले किसी दूसरे जज के सामने वो सेम केस जो है वो लेके पेश हुआ था तो इस वजह से फोरम शॉपिंग जो है वो न्यूज़ में आ गई और यही चीज जो है सेम केस वेरियस जजेस के सामने लेके जाना उसी चीज़ को फोरम शॉपिंग जो है वो कहा जाता है तो अब देखते हैं फोरम शॉपिंग क्या होता है फोरम शॉपिंग रेफर्स टू अ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली चूजिंग अ स्पेसिफिक कोर्ट फॉर अ लीगल केस इन होप ऑफ गेटिंग अ फेवरेबल आउटकम कि uh, uh, किसी भी लिटिगेंट का या लॉयर का किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्ट में जाना uh, जाके अपना लीगल केस जो है उसको पेश करना uh, इस होप में कि उन्हें जो है फेवरेबल आउटकम्स जो है वो मिलेंगी लिटिगेंट्स एंड लॉयर ऑफर कंसिडर दिस स्ट्रेटजी एज पार्ट ऑफ देयर लिटिगेशन प्लान फॉर एग्जाम्पल दे फॉर अ हायर कोर्ट लाइक हायर कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट टू गेन मोर अटेंशन टू देयर केस ऐसा नहीं है कि आप आ, आपका केस जो जो है है वो वो कोर्ट कोर्ट में में हो देन उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जो है, वो नहीं जा सकते आप डेफिनेटली हाई कोर्ट के बाद जो है अपना न्याय लेने के लिए या जस्टिस के लिए आप जो है हायर कोर्ट में मूव कर सकते हो वो चीज है वो फोरम शॉपिंग के अंदर नहीं आती लेकिन अब अगर आप हायर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही आप क्या करो कि वेरियस जजेस के सामने जाओ और किसी तरीके से आप जो सिस्टम जो है उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करो आप ऐसा जज ढूंढो जो आपके साथ थोड़ी जो है वो रखता हो और उसके सामने आप अपना केस जो है वो पेश करो इस होप में कि आपको जो है कुछ फेवर्स जो है वो वहां से मिल जाएंगे तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ही इलीगल है और उसी चीज़ को फोरम शॉपिंग जो है वो कहा जाता है उसी तरीके की एक और टर्म होती है बेंच हंटिंग बेंच हंटिंग रेफर्स टू द पिटिशनर

Uh, किसी ऐसे कोर्ट में या किसी ऐसे जज के सामने जिसका आपको पता है कि वो जो है वो आपके इशू के रिगार्डिंग जो है वो थोड़ा सिंपेथेटिक होगा और साथ ही साथ आपको आपके जो इंटरेस्ट जो है उसको क्लेम करने में मदद जो है वो मिलेगी ठीक है तो इस ये उसकी एडवांटेजेस आ जाती हैं और उसी के साथ साथ इट इनकरेजेस कंपटीशन एंड इनोवेशन अमंग कोर्ट्स एंड जजेस टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस इससे क्या होगा कि जो जजेस जो होंगे उनके बीच में कंपटीशन होगा uh, जो जज जो है वो ज्यादा सिंपैथेटिक होगा या फिर जो ज्यादा ध्यान से बात सुनेंगे उनके पास ज्यादा से ज्यादा केसेस जो है वो आएंगे विच अल्टीमेटली लीड टू देयर प्रमोशन ठीक है तो इस वजह से ये उसकी कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो हो सकती हैं और जब जजेस जो हैं वो ज्यादा सिंपैथेटिक होंगे तो उस वजह से क्या होगी कि उनकी एफिशिएंसी जो होगी वो भी इंप्रूव होगी और उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होगी वो भी इम्प्रूव होगी ठीक है तो ये चीज़ें जो हैं आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं

उसी के साथ साथ जो जज सिंपेथेटिक होंगे एक पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग या मान लो आप डाइवोर्स केसेस के रिगार्डिंग आ, अगर कोई पर्टिकुलर जज जो है वो फीमेल के लिए थोड़ा ज्यादा सिंपेथेटिक है तो उस वजह से क्या होगा कि जो मेल काउंटर पार्ट होगा उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा और ज, जितने भी जो फीमेल्स होंगी अगर वो आ, उसके लिए अप्लाई कर रही हैं के लिए अप्लाई कर रही हैं तो वो एक पर्टिकुलर कोर्ट में जाना जाना ही ही या एक पर्टिकुलर जज के कोर्ट में प्रेफर करेंगी उस वजह से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कोर्ट का वर्क लोड जो है वो बढ़ जाएगा ठीक है तो इस वजह से इम्बेलेंस इन वर्क लोड जो है वो हो जाता है जजेस एफ साइटेड दैट द दर्निंग ऑफ सम कोर्ट्स ओवर अदर एंड इंटरफेयरिंग विद जुडिशियल प्रोसेस इस वजह से कुछ कोर्ट्स में ओवरबर्निंग जो है केसेस की वो बढ़ जाएगी और जो जुडिशियल होगा उसमें भी इंटरफेयरिंग जो है वो होगी सेकेंड क्या है इट कैन एंड लेटिज्म तो लोगों के बीच में एक परसेप्शन बैठ जाएगी कि ये पर्टिकुलर जज जो है इस पर्टिकुलर केसेस के लिए बायस जो है वो दिखाते हैं जिस वजह से क्या होगा कि जो अथॉरिटी है और उसकी लेजिटिमेसी है कोर्ट्स की वो जो है वो अंडरमाइन होगी उसके अलावा इट कैन इंक्रीज द कॉस्ट एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ लिटिगेशन बाय क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ एंड मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नेक्स्ट डिस्करेजिंग फॉरम शॉपिंग की जो वेरियस जो हमारे वर्ल्ड के जो वेरियस कोर्ट जो है या वेरियस हमारे ज्यूडिशियल बॉडीज जो है वो किस तरीके से लेती हैं फोरम शॉपिंग को इवन कोर्ट्स इन यूएस एंड यूके डिस्करेज प्रोहिबिट फोरम शॉपिंग इन कॉमन लॉ कंट्रीज the principle of forum non conveniens is used to prevent the practice of forum shopping forum shopping common law is shared british heritage

उसके अगेंस्ट है। है उनका कहना कि अगर इस प्रिंसिपल को अलाउ किया जाता है तो ये जो है आ, बेसिकली अगर इस प्रिंसिपल को फॉरम शॉपिंग के प्रिंसिपल को जो अगर हम करते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि जो आ, लेजिटिमेसी है जो है वो कम होगी कोर्ट्स की और उसी के साथ साथ वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई केस है अगर उसकी जुरिस्डिक्शन जो है किसी दूसरे दूसरे कोर्ट में है और वो दूसरा कोर्ट जो है वो उस तरीके उस केस को ज्यादा अप्रोप्रिएटली सुन सकता है या उस पर ज्यादा अप्रोप्रिएटली फैसला सुना सकता है तो वो केस जो है उस पर्टिकुलर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो है वो दे देना चाहिए अब देखते हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनके क्या व्यूज हैं फोरम शॉपिंग के ऊपर उसके रिगार्डिंग वेरियस केसेस जो अभी तक आए हैं फोरम शॉपिंग के रिगार्डिंग उनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले है आपका डॉक्टर खैरूनिसा वर्जिस यूटी यू, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2023 का केस है इसमें क्या किया था जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक लाख रुपए तक का फाइन जो है वो इम्पोज किया था पेटिशनर के ऊपर क्योंकि वो फॉरम शॉपिंग में इंडल्ज जो है वो पाया गया था उसके अलावा विजय कुम, कुमार घाई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2022 का केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फॉरम शॉपिंग जो है उसको उन्होंने कोर्ट्स जो है इसको घोषित किया एंड कहा कि दैट हैज नो सैंक्शन एंड पैरामाउंसी इन लॉ कि ये जो फॉरम शॉपिंग है इसका इसको इट हैज नो सेंशन एंड पैरामाउंसी इन द लॉ नेक्स्ट है धनवंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्टेट ऑफ राजस्थान 2022 का केस है इसमें राजस्थान हाईकोर्ट जो है उन्होंने जो आपका पेटिशनर जो था उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का फाइन जो है वो लगाया था क्योंकि वो एंगेज था फॉरम शॉपिंग में उसके अलावा यूनियन ऑफ इंडिया वर्जेज सिप्ला लिमिटेड दो का केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फंक्शनल टेस्ट जो है वो डाउन किया आ, ये फंक्शनल टेस्ट जो है डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या जो लिटिकेंट जो है वो जनरली जस्टिस सीख करने के लिए जो है फोरम शॉपिंग कर रहा है या फिर केस जो है उसको मैनिपुलेट करने के लिए फॉरम uh, शॉपिंग uh, की जो प्रैक्टिस uh, है उसमें इंगेज है ठीक है तो उसमें एक फंक्शनल टेस्ट जो है वो किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अलावा दूसरे वेरियस केसेस हैं जैसे रॉज मेत्रा एच एस आर पी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एन सी टी ऑफ दिल्ली दो हजार सतारह का केस है इसमें भी डेली हाईकोर्ट जो थे उन्होंने फाइन जो है वो इम्पोज किया था उसके अलावा कामिनी जयसवाल जै, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दो का केस है और चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेज ओम प्रकाश नाइनटीन एट का केस है तो ये वेरियस केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में या वेरियस हाई कोर्ट्स में जो है ये जो है फॉरम शॉपिंग के रिगार्डिंग इन केसेस को आप जो है वो कोर्ट कर सकते हो तो आज की जो हमारी क्लास थी वो फॉरन शॉपिंग के बारे में थी इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी थैंक यू सो मच